गुरुजय गुरुदेव नाम किसका रूप पावन नाम सतगुरु आओ मेरे अंगना मालिक तुम्हें बुलाते हैं मन चित पहिन नाम सतगुरु तुम्हें जाते हैं नम दया तुमने है दीनी सूरत भेद सतगुरु का चीनी मालिक तुम्हें जाते हैं आओ नामी स्वामी सतगुरु मालिक तुम्हें बुलाते हैं प्रेमियों अपने मालिक को जिस स्वामी सतगुरु से नाम दान हमने लिया उसी को चौबीसों घंटे याद करना बुलाना हमारा तुम्हारा कर्तव्य है परम दयालु सतगुरु अगर मिल जाए अंदर से बाहर से तभी हमारा जीवन धन्य धन्य बनेगा प्रेमियों ये जो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है गुरु का पूजन गुरु की आरती गुरु की वंदना गुरु की आराधना ये कुल गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम गुरु को ही समर्पित अब सावन लग जाएगा हर सोमवार को आद्य नाम निर्गुण निराकार शिव को नहलाते हैं गंगा जल चढ़ाते हैं शंकर भगवान को गंगा जल चढ़ाते हैं और उनसे मनोकामना पूर्ण करने की बात करते हैं इसीलिए सावन में साधना शिविर भी गुरु महाराज किया करते थे मेहनत थोड़ी सी और उसके बाद में सामने साधना ये आश्रम मथुरा में बराबर हुआ करती थी साधना सागर का कार्यक्रम प्रेमियों अब तो अपने अपने काम में इतने फंस गए हैं कि एक कार्यक्रम पर जाना ही मुश्किल है दूसरे की बात क्या कहना अभी अगस्त में जन्माष्टमी का कार्यक्रम होगा कृष्ण जय का जन्मदिन होगा उसी दिन गुरु महाराज का जन्मदिन मनाया जाएगा गुरु जन्माष्टमी पर ये सब बाहर से हम मनाते हैं ये जो जन्माष्टमी है तो आठों गांठ को बताते हैं आठों गांठों को खोल लो तो ग्रंथि जो है कतार हो जाएगी जीवात्मा तुरंत छूट जाएगी और जो चोर लगे हैं चोर हमारे तुम्हारे साथ चोर है चोर क्या करते हैं चोरी करते हैं काम क्रोध मद लोभ अहंकार ऐसे ऐसे चोर हमारे तुम्हारे साथ लगे हैं तो इन चोरों से फुर्सत मिल जाए सुमिरन ध्यान भजन बन जाए करो तैयारी सी गगन की करो तैयारी सी गगन
एक रास्ता सिलेंडर वाली है और एक छह महीने वाली कौन सी चलेंगे? बताए राक्षस बड़े बड़े हिंसक जानवर ये सब रहते हैं रास्ते में कुछ नहीं कहा, बस वही चलो जो छह महीने में पहुंच जाए, साल भर कौन दौड़ेगा? छह महीने वाली चलेंगे, जो होगा कोई देखा जाएगा। उनको बैठा करके आशीर्वाद दे दिया, लेकर के चले। तो प्रभु राम और विश्वामित्र जी जा रहे हैं, रास्ते में ताड़का मिली, उसका उद्धार हो गया। पर गुरु की आज्ञा के बिना राम जी ने बाण नहीं चलाया। तो ऐसे आप भी गुरु जी की आज्ञा के बिना कोई बाण मत चलाओ। शब्द भेदी बाण अंदर में चलाओ कि अंदर की महिलाएं कट जाए, अंदर में मन रूपी रावण राक्षस जो बैठा हुआ है वो मर जाए, आपका राम नाम भजन बन जाए। अंदर में दिखाई सुने सुनाई पड़े और अंदर की विद्या आपको आ जाए। अंदर में देखोगे चलोगे सुनाई पड़ेगा दिखाई पड़ेगा तब अच्छा रहेगा। और ये इस तरह से लगाओ जैसे शिवरी ने लगाए। गुरु मतंगनी मतंग ऋषि ने बताया कि यहाँ राम आएंगे। वो राम के इंतजार में बचपन से बूढ़ी हो गई, लेकिन उसने आस नहीं छोड़ी। आप लोग एक दिन कहते सब गुरु जय गुरु गुरु महाराज आओ, अरे प्रतीक्षा अस्त्र का इंतजार करो, प्रतीक्षा अस्त्र का प्रयोग करो, आज नहीं तो कल काम बन जाए। और सूरज चमकेगा जरूर। पूर्वांचल उत्तरांचल हिमांचल तमाम चल से देखा जाएगा इस चल में क्या होता है, और जो अचल है उसकी महिमा निराली। देखो ये राम नाम की महिमा बड़ी निराली। अयोध्या का उद्धार, धनुष भंग, सीता का विवाह, राम वन गमन, सीता हरण, चीत तो एक ही है, अरे इस सीता का हरण सतगुरु कर ले। उधर रावण ने किया था, इधर सतगुरु कर ले, काम तुम्हारा बन जाए। लेकिन आप करवाते नहीं, आप चाहते नहीं। कोई बताने वाला पास में जाता थोड़ा तुम और पीछे। देखो स्वामी जी महाराज ने बताया हाथ मत लगाना, ऐसा बता दिया गया है कि वहाँ बड़ेला में तंत्र मंत्र कंठ को आए तू नया इसू देंगे तो तुमको टेम हो जाएगा। पर प्रेमियों अगर दिखाई सुनाई नहीं पड़ा, अनुभव नहीं हुआ, इसमें आँख नहीं खुली, तो तुम्हें मुक्ति मोक्ष कोई दिलाने वाला पैदा भी नहीं। समरसम सदगुरु अपने जीते जी रहते हुए आप कान खोलते हैं और दया करते हैं। जिसकी नहीं खुली होती आध्यात्मिक स्वरूप से भी खोलते हैं, पर खोलते सदगुरु प्यारी है। दया है सतगुरु प्यारे की कि मेरे राम आधारे की, दया है सतगुरु ने कीना है नाम के दान को दीना है। किया हर भजन सुचिना
राम नाम भजन की तरह हुआ, जीव दीन हो गया, बिरह विवेक और बुद्धि बिरह विवेक हो गया और ये दीन हो गया। जैसे गुरु महाराज ने प्रार्थना लिखाई है, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगदार, तुम भिखारी हो, दीन हो, लाचार हो, मांग रहे हो किससे? आनामी महाप्रभु करदार से, सतगुरु सतनाम से, अपने भरदार से, अपने स्वामी से। क्या मांग रहे हो? नाम की दात, दया की धार की, हमारा घटपट खुले और हम भी अपने देश में चले जाए। एक बाबा थे, जंगल में रहते थे, जंगल में वो रहते थे और ग्राम क्षेत्र में जाया करते थे, राम नाम का जय घोष लगाया करते थे। बाबा जी महाराज प्रभु के परम भक्त थे और भगवान की उन पर दया भी थी कि जिन पर उनका हाथ पड़ जाता था दया कर देते थे, उसका कल्याण हो जाता था। पर बहुत से लोग सोचते, अरे बाबा इतनी इतनी दाढ़ी रखाए, इतने इतने जटा, जब देखो महीने 15 दिन में आ जाता है वो सुनने। अब उन्हें क्या मालूम कि जो दे रहे हैं बाबा जी को, बाबा जी से बड़ी मोटी दौलत लिया है तो उसके बदले में छोटा छोटा दे रहा है और उनको कोई दौलत मिली नहीं, तो कहा हम भी दाढ़ी मूछ रखा लेते हैं तो हमें भी मिलने लगेगा। दाढ़ी मूछ रखाया, बगिया में गए, कहा पहले बगिया में ट्राई करते हैं, कुछ बता, राम नाम सपना, राम नाम सपना, अब जनते नहीं राम नाम जपना, राम नाम सपना। तो कहा ये भैया ये राम नाम सपना क्या है? तो कहा अरे महाराज लोग, हमारे गुरु महाराज ने ही बताया कि राम नाम सपना है। कहा फिर राम नाम जपना का पहले कहीं, हाँ वही जपना है, कल का जो है ज्योति बना है। अरे कहा नहीं, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि दाढ़ी मूछ लगा के ज्योति बन जाए, अच्छा फायदा होगा। कहा फायदे के लिए ज्योति बना है कि राम भजन के लिए, मुक्ति के लिए बना है? कहा नहीं फायदे के लिए। अब उसने समझावन निकाला, अब कौन सा समझावन निकाला? समझावन दो तीन प्रकार के होते हैं, भोले भुरकुश झंडा महाराज, धमा धमकू घोसा महाराज, तपा तड़पू थप्पड़ महाराज, चपा चढ़पू जूता महाराज। ये कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र होती हैं। तो कहा ये चारों में से कौन से अस्त्र का तुम्हारे ऊपर प्रयोग करें कि तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आ जाए? कहा चपा चप्पू महाराज से हमारा स्वागत तुम कर दो कि हमको बुद्धि आ जाए तो हम उसे बड़े बाबा बनाए। कहा ठीक, निकाला जूता, दे तड़ा कर, दे तड़ा कर। अरे क्या करा बे, अरे क्या करा, तेरा दिमाग खराब हो गया, शराब पीनेंगे बहुत ऊंचे बाबा के सिर से। तब तक पीट पाट के उनको दुरुस्त कर दिया। कहा अपनी जगह रहना ठीक नहीं, अब ऐसी चले चले ये जहाँ निकल चौखा भवन लोग वहाँ भजन करेंगे बजाएंगे, लोग खुद ही आएंगे, अब चप्पू चप्पा से हम नहीं पिटेंगे, अब कुछ नहीं कहेंगे, हमें चप्पू चप्पा चाहिए। फिर चले गए 10 कोस दूर बैठे, देखा लोगों ने क्या है, कहा महात्मा जी, कहा ये महात्मा जी पानी नहीं बरस रहा तो क्या किया जाए? कहा फवारा लगा लो। कहा फसल रुक आएगी? कहा बिल्कुल रुक जाएगी, कहते फवारा क्या होता है, हजारा हजारा बाल्टी में छीन कर दो, 1000 पानी भर दो, टपका दो। कहा महाराज राम नाम से कुछ नहीं होगा। कहा 1000 सब कुछ होगा, राम नाम को मंदिर नहीं कह रहे थे? तो कहा फिर दाढ़ी में कुछ रखा करते? तो कहा हमने तो कहा राम नाम सपना, हमने कब कहा राम नाम जपना है? कहा महाराज तुम्हारे गुरु कहाँ रहते हैं? क्या कान फुकवा गुरु रहते हैं? कान फूकते हैं, कान फूकते हैं, और कान में फूका, राम राम बोले, तथला बजाया, राम 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 सपना, राम राम सपना, वही हम जानते हैं।
तो कहा महाराज जब तुमको तमीज नहीं तो दाढ़ी कुछ रखा करके क्यों भाई जमीन और धरती पर बोझ बनने के लिए किसी को कुछ दे नहीं रह सकते तो ले क्यों नहीं होते। अरे कहा तुम्हारा दिमाग खराब, हमारा गुरु बहुत ऊंचा राम नाम सपना भी तुम्हारा स्वागत करेंगे। इनकी चीज से करोगे चपड़ू महाराज से करेंगे। चपड़ू महाराज कहने चपड़ू महाराज क्या है घर में तुम भी स्वागत करो। बहुत बड़े जो दादा बने दिखाई देते हो दे तड़ा कर दे तड़ा कर करे बपारे बपारे राम सपना अरे राम सपना दे धुनु धुन हो गया। फिर वहां से चल दिए वो कहा अब यहाँ नहीं रुकेंगे दक्षिण में जाएंगे मोटा मोटा सोना कमाएंगे। तो उधर अब राम नाम सपना जपना नहीं कर रहे राम नाम सपना कि सपने में राम नाम देखा था वही थोपू बाबा टपिया बजा था राम नाम सपना। अब देखे कहाँ जपना जानती ही दक्षिण में चले। जब दक्षिण में गए बैठ गए तो पता नहीं कहाँ से रास्ते में बाबा जा रहे थे तो भारत निरंजन का ये भी कोई नाम है ऊंचा बाबा ऊंचा काला इंजन। अब याद रहा नहीं अलग निरंजन वो अलग अलग इंजन। अब कह रहा अलग अलग इंजन। अब बस्ती में पहुंचा कहा बच्चा अलग अलग इंजन कहा बाबा ये क्या होता है कहा बस बच्चा अलग अलग इंजन तो इंजन को तो सब जानते कहा बस जब अलग अलग सारा इंजन हो जाएगा फेफड़ा इधर किडनी अलग वाल उधर उधर तो शरीर काम कैसे कराएगा। कहा बच्चा हमारे गुरु ने बताया सब अलग अलग इंजन कहा पहुंचे फकीर लगता है क्या चाहिए कहा बस ढाई तोला सोना दे दो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कहा अभी दीदी तो मुक्कम महाराज से लोगों की घुस्सम महाराज तोल करके देना पड़ेगा कहा चाहे मुक्कम महाराज से दो चाहे घुस्सम महाराज से दो कहा फिर ठीक है ये घोसा इस बगल में मारा करे दूसरा घोसा इधर तीसरा छाती पे पड़ा तो कहा है अब वो गिर गए बेचारे अलग अलग इंजन अलग अलग इंजन अलग अलग इंजन कहा अरे भाई बबुआ को क्यों मारा अरे कहा एक तो मेरा इंजन खराब है ऊपर से चक्की आटा की चल नहीं रही इंजन खराब हो गया मिस्त्री मिला नहीं जब ठीक से बनेगा तभी ये चलेगा और ये साला बहस कर रहा अलग अलग इंजन ढाई किलो आटा मांगता हम दे देते पर ये तो कहता अलग अलग इंजन अलग अलग इंजन शराब दे तब इसकी हमने धुनाई कर दी। कहा बहुत बड़ी बुराई है आटा मांगते तो खाना खाने को मिलता लेकिन चोखा लगा देते अभी अलग अलग इंजन इसका सारे का अलग अलग पहले से इंजन था सब दुनिया करप्ट है। अब हम उत्तर में फिर चले जाएंगे उधर कहा भैया ये भगवान कहाँ मिलता कहा कौन से भगवान के यहाँ जाओगी। अरे कहा कोई से भगवान के बता दो कहा गणिक महाराज के यहाँ जाओगी कि कार्तिकेय महाराज के यहाँ जाओगी दत्तात्रेय के यहाँ जाओगी शंकर भगवान के यहाँ जाओगी इंद्र भगवान के यहाँ जाओगी विष्णु भगवान के यहाँ जाओगी राम भगवान के यहाँ जाओगी कृष्ण भगवान के यहाँ जाओगी वामन भगवान के यहाँ जाओगी कि नरसिंह भगवान। अरे हम भगवान के यहाँ जाएंगे कि बकवास में जाएंगे जहाँ भगवान हो तो कहा भगवान माने कुछ नहीं होता है प्रभु माने सब कुछ होता है। तो कहा प्रभु कौन है कहा प्रभु 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 कहा और भी कुछ होता कहा ईश्वर ईश्वर तो कहा ईश्वर कौन है कहा इसके अंदर बैठा हुआ बोलने वाला स्वर उसको कहते हैं ईश्वर। अगर ये समाप्त हो जाए तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी नाश हो जाए। कहा और बाबा क्या सेवा करें आपकी अरे कहा बहुत दिन से भूखे हैं तो कहा फिर कहीं कुछ रबड़ा जबड़ा खवा दो कुछ रबड़ा जबड़ा हो तो खिला दो कहीं के रबड़ा जबड़ा क्या है। कहा बहुत दिन देखा था महाराज जी के क्या माँ नीचे सुपर नीचे सुपर नीचे सुपर नीचे सुपर नीचे सुपर पहाट पहाट ऊपर नीचे सुपर पहाट पहाट नीचे सुपर ऐसा ऐसा हो रहा था उसी को खिलाया था। उसने सोचा ये साला कसाई
इसका दोनों कहीं खाल को नहीं खींच रहा था, इसका दिमाग खराका सही से बोल हम ईश्वर की बात करते हैं तो रबड़ा जबड़ा कर रहा है। अरे कहा मेरे गुरु ने जो बताया, कहा अच्छा फिर रबड़ा जबड़ा लेगा किससे, चपड़ू से धपड़ू से लपड़ू से घसड़ू से घुछड़ू से। तो कहा ये भैया तीन जगह तो ले चुके हैं, अब चौथी जगह लेने की इच्छा नहीं, हमें खाने ही नहीं, न लपड़ा न जपड़ा न छपड़ा, हमको कुछ नहीं, हमको पता चल गया भगवान भगवान कहीं होता है नहीं, मन चंगा तो कठौती में महंगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपने घर में रहे, अब हम कहीं जाएंगे नहीं, ऐसी तैसी नहीं दाढ़ी आया कैंची उठाया चक चक, नाई के यहाँ पहुंचा कहा जितनी जल्दी हो काटो नहीं रपड़ू जपड़ू और भूचड़ू मचड़ू। अरे भगवान का नाम कभी लेने ही मत, वही भगवान है ही नहीं, और भगवान ससुर को सुनने के तो 20 लठ मारेंगे। तो कहा तुझको होश आ गया, नाई ने कहा होश आ गया 20 लठ मारने का, उस समय राम सब सपना है, अलग अलग इंजन है, तो कहीं कहीं अलग अलग फैक्ट्री है, अबे अलग अलग इसमें भी तो इंजन है तेरी बॉडी में, हार्ट अलग किडनी अलग फेफड़ा अलग सब जुड़ा हुआ, उस तरह किसी के दरवाजे जाएगा कहेगा उसका इंजन खुला पड़ा कर, अलग अलग इंजन अलग अलग इंजन अलग अलग इंजन, बच्चा जल्दी लाओ, तो कहेगा लाओ जूत बजाए तुम्हारी, एक तो हमारा इंजन वैसे खुला पड़ा था अलग अलग इंजन हमको चिढ़ा रहा है। तो प्रेमियों देखो, किसी की एक आँख खराब हो आप उसको कहोगे एक नहीं तो बहुत बुरा लगेगा, ए भैया राम जैन ओ राम जैन जरा यहाँ आओ, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ बड़े आराम से राम नैन नाम लिया है। अब नैन तो है ये नहीं कौन चैन है, लेकिन राम नैन कहे तो बड़ा वो फूल करके गरगज और कहे ए कनौना यहाँ तक, तब तो उसकी खोपड़ी खराब आपको भी तस्वीर बात पकड़ाएगा। तो प्रेमियों जब तुम्हें श्रद्धा भाव आ जाए, तुम्हें श्रद्धा आ जाए भाव भाव का भूखा है भगवान, भाव का भूखा है भगवान, क्यों नहीं जाने बात हमारी, क्यों नहीं जाने बात हमारी, ऐ प्यारे इंसान ऐ प्यारे इंसान, भाव का भूखा है भगवान, भाव का भूखा है भगवान। प्रेमियों आप पांच नाम की माला घुसते हो, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन पांच, एक दिन एक काम करो 15 दिन तक माला तो करो, एक टाइम मिला बताते हैं हमने क्या टाइम निर्धारित कर लो, कोई सुबह दोपहर शाम ये घंटा मन बुद्धि चित्त रोक करके इस पे पट्टी लगा करके, वैसे जो बाबा बताते हैं नाम जान देकर की ओढ़नी ओढ़ करके, वो तो गुरु महाराज बताते हैं मन बुद्धि चित्त आंख रोकेगी तब दिखाई पड़ेगा, तो इस पे वाढ़ी रजाई वाढ़ के करना, तो रजाई कितना मोटा होता है, रजाई वाढ़ने कुछ दिखाई पड़ेगा। तो उसी तरह आप जब यहाँ पट्टी लगा लो, ऐसे मोटी पट्टी गमछा का वो बना करके लगा लो, कुछ बाहर का ना दिखाई पड़े तो अंदर में प्रकाश प्रकट होगा, और आप ये घंटा तक सदगुरु जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव प्रभु जय गुरुदेव मालिक जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव यही अंदर में जप, 15 दिन के अंदर में तुमको अनामी देश तक पहुंचना हो जाएगा, सफर तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन आप अब वही उसी की तरह आप पहला नाम जप रहे हैं तो कह रहे हैं नाम उनका कुछ और है, और कह रहे अलग अलग इंजन अलग अलग इंजन अलग अलग इंजन, तो मिट्टी भी खोपड़ी खराब हो जाएगी, बताओ हमारा नाम ये है, और कह रहे ये रह जाओ अच्छा भी बताते हैं तुम्हें। तो प्रेमियों अंध बंद होता नहीं, दंद फंद के माए चंद नाम सतगुरु का जपे करण तार हो जाए, तो दंद फंद में तो कुछ नहीं होगा, नाम भजन में सब कुछ होगा, नाम भजन होगा और आनंद होगा।
तो अभी पाठशाला फिर चलेगी। क्या चलेगी? पाठशाला। अभी आप लोगों के कान में उंगली लगाई जाएगी, 10 लोगों को भी तैयार करते हैं, स्त्री पुरुषों को, और इसमें रखा जाएगा। उसके बाद में आपसे जो है गवाही ली जाएगी कि आपने देखा कि, और जिसका नहीं होगा वो कुटी के पास आएगा, मेरे पास, वहाँ कुटी के पास। मैं एक सेकंड में गुरु महाराज का बताया हुआ कि इसमें सेकंड में बालू की कण के बराबर चमकता हुआ तेल आएगा, तीन तीन तीन। और मैं तुमको दिखाऊंगा कि सूरज की बराबर का चमकता हुआ इसमें आएगा। किसकी दया से? स्वामी जी महाराज की, मेरी कोई दया नहीं। दिखाई पड़ेगा तुमको, नकल करवाएंगे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करवा देंगे। और नहीं आएगा तो छप्पू महाराज, धप्पू महाराज, डप्पू महाराज तो है ही है, वहाँ कुटी के पास हम आपसे मिलेंगे। और अभी तीन चार लोग है, रामाचल सुनील, ये तो तुम्हें आता है? नहीं आता। और साहू जी, आप सब लोग जो है इधर जो है स्त्रियों को दूसरे लोग बता देंगे, जल्दी जल्दी बता दो तो सब लोग ध्यान करो। और जिसका ध्यान हो तो ठीक, किस ध्यान में हमने ये देखा, ध्यान करो बैठ करके, और नहीं होता है तो घर कुटी के पास मिलो, तो टप्पू धप्पू लप्पू कुछ तो कुछ बजेगा।